झारखंड में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जहां प्रदेश में डेंगू मरीजों की संख्या जो है वो डराने वाली है। बता दें आपको कि राजधानी रांची के साथ ही प्रदेश के कई जिलों में मरीजों की संख्या 100 के आंकड़े को पार कर चुकी है। इस रिपोर्ट में देखिए, झारखंड में डेंगू कहर बरपाने लगा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या और स्वास्थ्य विभाग की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश की राजधानी समेत कई जिलों में डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या ने स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा दिया है। झारखंड में अब तक 785 डेंगू मरीज मिले हैं, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम में 492, साहिबगंज में 114, रांची में 156 डेंगू मरीज मिले हैं। निश्चित तौर पर ये बड़ा है, इसके लिए हम लोगों ने आज भी बैठक किया है, बातचीत किया है और जगह जगह इसके उपाय हो रहे हैं, लार्वा मारने के भी उपाय हो रहे हैं और जो लोग गंभीर रूप से बीमार हैं उनको कैसे हम स्वास्थ्य लाभ दें इसके लिए भी काम कर रहे हैं। अब रामगढ़ भी डेंगू की जद में आ गया है। जिले में एक साथ 4 मरीजों के मिलने के बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड में आ गया है और अस्पतालों में डेंगू से लड़ने की तैयारी भी की जा रही है। आप देख सकते हैं, मैं इस समय मौजूद हूँ रामगढ़ सदर अस्पताल में और यहाँ पर देख ले, यह व्यक्ति जो है डेंगू का मरीज है। रामगढ़ की सदर अस्पताल की बात करें तो एक डेंगू मरीज मिलने की पुष्टि प्रशासन के द्वारा की गई है, डॉक्टर के द्वारा यहाँ पर ट्रीटमेंट की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नर्स की व्यवस्था की गई है, प्लस यह 6 वार्ड जो बेड कहा जाए तो 6 बेड स्पेशल लगाया गया, जो डेंगू से पीड़ित मरीज है उनके लिए स्पेशल यहाँ पर रखा गया है। आप देख ले यहाँ पर 24x7 नर्स की व्यवस्था रखी गई है, सारा टेस्टिंग यहाँ पर करने के बाद डेंगू की पुष्टि की जाती है, उसके बाद इनको बेड में शिफ्ट किया जाता है। यहाँ के जो प्रबंधक हैं इनसे जानने का कोशिश करते हैं क्या व्यवस्था की गई, क्या व्यवस्था है। हमारे यहाँ जो है डेंगू मरीज के लिए जो है 24x7 जो है बेड उपलब्ध है, वार्ड उपलब्ध है, 10 बेड का वार्ड एक अलग से अतिरिक्त बेड लगाया गया है। प्रदेश में डेंगू मरीजों की रफ्तार डराने लगी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की माने तो 60 दिनों में डेंगू के मरीजों की संख्या 10 गुना बढ़ गई है। वहीं पूर्वी सिंहभूम में अब तक डेंगू से करीब 4 लोगों की मौत हो चुकी है, लिहाजा जरूरी है कि डेंगू से बचाव के लिए लोग अलर्ट रहें। ग्राफिक्स के जरिए जानिए कि डेंगू से बचाव कैसे कर सकते हैं। घर के अंदर या बाहर कहीं भी पानी न जमा होने दें। घर में पानी स्टोर करने वाले बर्तनों को साफ करते रहें। पालतू जानवर को जिस बर्तन में पानी देते हैं उसे साफ रखें। छत पर रखी पानी की टंकी को अच्छे से ढककर रखें। बगीचे को साफ रखें, गमलों में पानी न जमा होने दें। हफ्ते में एक बार कूलर और पानी की टंकी की साफ सफाई जरूर करें। फ्रिज को हफ्ते में एक बार साफ करें। फुल स्लीव वाले कपड़े पहनें। घर के दरवाजे और खिड़कियों को शाम होते ही बंद कर दें। सावधानी के बाद भी अगर कोई डेंगू की चपेट में आ जाता है तो मरीज को फ्रेश फ्रूट जूस और नारियल पानी पीना चाहिए। मरीज को डॉक्टर की सलाह पर दवाई दें। प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए पपीता कीवी रोज खाएं। मसालेदार खाना अवॉइड करें। गर्म पानी का सेवन करें। साफ सफाई बनाए रखें। इन बातों का ध्यान रखकर डेंगू के खतरे को टाला जा सकता है। हालांकि लोगों की जागरूकता के साथ ही जरूरत है अस्पतालों में दुरुस्त व्यवस्था की जाए ताकि डेंगू के प्रकोप को कम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, बिहार, झारखंड।